मेरी स्टोरी है। उस राज्य का नाम है मानो कोई राज्य का नाम ना लिया हो, कोई चुटकुला सुना दिया हो। सबसे बड़ी विडंबना की बात यह है, सबको लगता है कि बिहारी को इंग्लिश नहीं आती। और भाई, प्रेजेंट टेंस से लेके फ्यूचर टेंस का हर फॉर्मूला पता है, सब्जेक्ट के बाद भर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होगा। बट बोलने में डर लगता है कि कहीं गलत ना हो जाए, कहीं गलत ना बोल दें। और भारतीय संस्कृति का धरोहर है ना बिहार में जितना संभाल कर रखा गया, शायद ही कोई राज्य में हो। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण जीते जागता है छठ पूजा। हमारे यहाँ छठ पूजा, आपको पता है छठ पूजा के बारे में? थोड़ी बहुत बताता हूँ उसके बारे में। हम यहाँ साल भर अपनी सेमेस्टर की पढ़ाई करते हैं बिना छुट्टी के लिए, कि हमारी अटेंडेंस 75% से प्लस हो, ताकि हमें घर जाएं तो हमारी अटेंडेंस कम ना हो। और जब हम बैठते हैं पाटलिपुत्र एक्सप्रेस में, हम अपने घर जाने के लिए उस समय सारी हिंदी अंग्रेजी खत्म हो जाती है और वहीं पर स्टार्ट हो जाती है भोजपुरी, शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारी पहचान अपने मिट्टी से है। या हम न अपने थोड़ी बहुत पढ़ाई करने गए हैं, हम यहाँ भाड़े और किराए के रूम में रहते हैं। हमारी पहचान वहाँ पर है जहाँ की गांव की वो लड़की जो मेरे स्कूल के टाइम देखकर घर के बाहर आकर अपने गेट पर खड़ी हो जाती थी और मेरी साइकिल की घंटी के साथ उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती थी। और वो आज भी वहाँ उसी टाइम पर खड़ी होती है, सिर्फ इसलिए कि उसको पता है कि छठ पूजा आ रहा है और छठ पूजा में मैं जरूर आऊँगा। चाहे कुछ भी हो जाए, छठ पूजा हमारे लिए पर्व नहीं है, एक इमोशन है। हमारे रग रग में दौड़ता है छठ पूजा कि शाम को जब माँ के साथ हम माथे पर दौरा लेकर जाते हैं ना शाम घाट पर, ऐसा लगता है छठ माता माँ के चेहरे में समाहित हो जाती हैं। अगर रियल बिहार आपको देखना है ना, तो वह 3 दिन आए बस छठ पूजा जिस समय हम मनाते हैं, आपको पता चल जाएगा कि हमारा बिहार कैसा है। और छठ पूजा होता क्या है कि भोर में जब माँ 5 बजे नदी में खड़ी होकर सूर्य देव को अर्घ देती है ना, तब तो उसकी आंखों में उसकी बेटे के इंतजार घूमते रहता है कि बेटा आके सुपली पकड़ ले। माँ के आंखों में बेटे का इंतजार का मर्म आप समझ पाइएगा कभी, कभी नहीं समझ पाइएगा। और ठेकुआ और खजूर हमारे लिए नू प्रसाद ही नहीं, हमारे लिए गंगा जल के समान है, वो हमारे लिए अमृत है। हमारे लिए छठ पूजा की सबसे बड़ी बात है कि मीन्स घर के छोटा से लेकर बूढ़ा तक हर किसी को नया कपड़ा चाहिए उस समय, क्योंकि ये पर्व नहीं, हमारे लिए इमोशन है। रग रग में दौड़ता है छठ पूजा, हमारे शरीर में खून नहीं, छठ पूजा दौड़ता है बिहार के लोगों के बीच में। तो आइए मैं एक आपको छोटा सा पोएट्री सुना रहा हूँ। और एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, मैं सारे बिहारी लोगों से यही कहना चाहता हूँ, कोई अगर बिहारी कहे ना तो सर शर्म से नहीं, सीना चौड़ा करके बोलें कि हाँ हम बिहारी हैं और इस बात का प्राउड है हमें। अगर मौका मिले तो हम अपने छाती पर लिखवा देंगे कि हाँ हम बिहारी हैं। इस पे एक लाइन है कि थोड़ी घी सी पिटी थोड़ी ना समझ से, थोड़ी घी सी पिटी थोड़ी ना समझ से, उस पवित्र संस्कार से हैं, कोई पूछे पहचान तेरा कह देना हम बिहार से हैं, कह देना हम बिहार से हैं। तुम उगते हुए सूरज को मानते हो, तुम उगते हुए सूरज को मानते हो, हम डूबते हुए को पूजते हैं। तुम उगते हुए सूरज को मानते हो, हम डूबते हुए सूरज को मानते हैं, और भाषा की मर्यादा हम सबसे बेहतर जानते हैं। और बदल रही है मिट्टी, वो बदलते हम बिहार से हैं, कोई पूछे जो पहचान तेरा कह देना हम बिहार से हैं। गुजर रही है जिंदगी मगर गुजारा क्यों नहीं होता, मेरी भी तकलीफों में कोई मेरा सहारा क्यों नहीं होता। उंगलियां तक कांपती थी जिसका हाथ छूने से, कोई उसका माथा चूमे यारा मुझे गवारा क्यों नहीं होता, उसका माथा कोई चूमे यारा
गवारा क्यों नहीं होता। वो हर रोज किसी नाम का सिंदूर लगाती है, वो हर रोज किसी नाम का सिंदूर लगाती है, यार जो शख्स हमारा था वो हमारा क्यों नहीं होता। कि भुला कि सारी जिंदगी गुजार रही है वो, भुला कर सारी जिंदगी वो गुजार रही है वो, ए खुदा मुझे इश्क दोबारा क्यों नहीं होता, इश्क दोबारा क्यों नहीं होता। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें।